News that's just coming in now. After wrestler Sakshi Malik has made a stunning claim, her sister Babita has hit back. She's saying that Sakshi at the moment has become a Congress puppet. Babita says Sakshi has embarrassed the entire country. Sakshi's husband has said Babita, BJP leader, Tirath helped in the controversy. Minor's father at the moment has denied Sakshi threatened claims. प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचिज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया, तो सिंगल सिंगल आवाज उठा भी कैसे सकते थे? कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। बोथ द माइनर्स फादर एज वेल एज द बीजेपी लीडर हैव डिनाइड द क्लेम्स दैट आर बीइंग मेड बाय साक्षी मलिक। लिसन इन। सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था जिसमें साक्षी मलिक उसके हस्बैंड थे और उसमें कई बातें बोली हैं, जिसमें बोला कि नाबालिग के परिवार को डराया और धमकाया गया, इस वजह से बयान बदला गया। तो वही पूछना चाहते हैं कि क्या आपको किसी ने डराया धमकाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना कर लिया अपना। अच्छा, आपको किसी ने डराया धमकाया बयान बदलने के लिए? कुछ नहीं है सर। तो साक्षी मलिक ये बयान दे रही है? सिर्फ साक्षी मलिक से कुछ सुना जा करके आप। अच्छा, लेकिन आपको पक्का किसी ने डराया धमकाया नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों की जो लड़ाई थी, यौन शोषण के जो ब्रजभूषण पे आरोप थे, और उस न्याय की लड़ाई में मैं खिलाड़ियों के साथ पहले भी था और आज भी उन खिलाड़ियों के साथ। न्याय की लड़ाई है और खिलाड़ियों ने अपना न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। जो आरोप थे मैं उस लड़ाई में उनके साथ था, और इसको कुछ किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है तो पहले भी, और उसमें बीच में कुछ गैप रहा, तो सबसे अच्छी बात यह कि अब इसको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद देख रहे हैं। अब जो खिलाड़ियों ने बातें रखी हैं, मांग रखी हैं, तो हमारे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि देश के गृह मंत्री खुद इसको देख रहे हैं तो उनकी पूरी होंगी। और न्यायपालिका पे भी विश्वास है, जो न्याय खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होगी अच्छे से और आरोपी को सजा होगी। My colleague Shreya is now joining me on the story. Shreya, it definitely seems like the wrestlers in fact are divided. There are claims being made and now counter claims are being made by none other than the family members of some of these wrestlers. Well, that's exactly what's transpiring, Aishwarya. You know, yesterday we saw Sakshi Malik and her husband Satyavrat issuing a video statement where they've alleged that the first leg of their protest, when it started in Jantar Mantar, had actually seen a permission being sought by two BJP leaders, which they've alleged as Babita Phogat and Tirth Rana. Now, both of them have now gone back and countered that claim. Babita has said that it's untrue, and nowhere is there any veracity that she was the one behind the behind seeking the permission for the protest in the first place. Tirth Rana, who is also one of the Jilla Adhyaksh in Sonipat, he has also suggested that it wasn't he who had talked with the protesters but the other way around. But he's also gone ahead and said that since right now this case is being handled by the Delhi police and overseen by the Home Minister, he believes that whatever is just will actually be transpiring with the wrestlers. Now, coming to the second half of it, remember Sakshi Malik has time and again come out and suggested that the minor wrestler's father has actually changed the statement based on pressure. Earlier as well, India Today has confirmed this.
and the same was again confirmed by our colleague Arvind Doja, and why we see that the minor's father has denied any sort of pressure being put on him to withdraw or change the statement. These matters are right now in court. The cancel report that the Delhi police has filed on the complaint of the minor wrestler will be taken up on 4th of July, and the charge sheet that is filed in the other six wrestlers case that will be heard on the 22nd of June, which is the upcoming week. So somewhere down the line, as the entire fight is now being fought on Twitter, we probably have to wait for our courts to decide that what exactly happens to the wrestlers' protest from here onwards. Right, Shreya, my colleague giving us the details of what exactly will happen with the Kashmir wrestlers' protest going forward.